हेलो फ्रेंड, आज थोड़ा स्वागत है प्लस टू क्लास केमिस्ट्री दे विच। साडा चैप्टर चल रहा है सॉल्युबिलिटी, ते आज दा साडा टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस तो पिछले एपीसोड दे विच असी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बारे डिस्कस कर लिया सी, हुण असी इस तो नैक्सट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दे बारे च डिस्कस करांगे। सो सैकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिस दे बारे च असी डिस्कस करांगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एलिवेशन? एलिवेशन का मीनस है इनक्रीज़ होना। टेंपरेचर बॉइलिंग पॉइंट के विच कितना इनक्रीज़ हो रहा असी उहदे बारे च स्टडी करांगे। देखो असी डीपली स्टडी करते हाँ कि जदों वेपर प्रेशर है, नॉर्मल वेपर प्रेशर है, जिहड़ा लिक्विड का वेपर प्रेशर है, दैट बॉयल कदों हुंदी है कोई चीज़? जदों जिहड़ा लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमोसफियर प्रेशर के इक्वल हो जाए, उदों सबसटांस ने बॉयल होना स्टार्ट होना। देखो जदों असी इसनों हीट प्रोवाइड करांगे, वैन वी इनक्रीज़ द टेंपरेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सबस्टांस और द सोल्यूशन इनक्रीजेस। दिस इज़ द वेपर प्रेशर, जो सबस्टांस का इनक्रीज़ हो गया। मीनस जिमें जिमें असी टेंपरेचर इनक्रीज़ करांगे, वेपर प्रेशर इनक्रीज़ हो जाएगा। तो एक ऐसा टेंपरेचर आएगा, एक्सटर्नल टेंपरेचर, जिससे जाके इन्हें एटमोसफियर प्रेशर के इक्वल हो जाना। दैट वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर आएगा उसनों असी कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। मीनस देखो टेंपरेचर इनक्रीज़ हो रहा, इनक्रीज़ होने के नाल वेपर प्रेशर भी इनक्रीज़ हो रहा, तो जिससे जाके इसका एक्सटर्नल प्रेशर से सबस्टांस का एक्सटर्नल जो वेपर प्रेशर इक्वल हो गया वो आएगा बॉइलिंग पॉइंट। मीनस सबस्टांस का प्योर स्टेट के एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल जो वेपर प्रेशर तो उदो की होएगा बॉइलिंग पॉइंट। हम देखो असं ग्राफ देखते हैं वेपर प्रेशर का, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का विद फंक्शन ऑफ टेंपरेचर। देखो जो असं ग्राफ देख रहे हैं जो प्योर सॉल्वेंट का एक खास टेंपरेचर के उत्ते ग्राफ देख रहे हैं, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूशन का घट है। देखो असी इस बारे पहले ही पढ़िया सी कि जो असं सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सबस्टांस के अंदर तो वो इंटरमोलीकुलर स्पेस ऑकूपाई कर लेंगे, तो जिदे करके जो वेपर प्रेशर वो डिक्रीज़ हो जाता। तो इट मीनस इसको बॉयल करने के लिए सानू बहुत हाई टेंपरेचर चाहिए। तो यही कह रही कि पर्टिकुलर टेंपरेचर के उत्ते जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा गा, तो सॉल्यूशन का डिक्रीज़ हो जाता वेपर प्रेशर, क्योंकि इसके अंदर असी ने सॉल्यूट ऐड करता। ये बॉयलिंग पॉइंट जो ये है तो एटमोसफियर प्रेशर, जो प्योर सॉल्वेंट तो सॉल्यूशन का जोड़ा वेपर प्रेशर आ एटमोसफियरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता, तो दैट पॉइंट आर बॉयलिंग पॉइंट। इससे जाके इस प्योर सॉल्वेंट ने बॉयल होना तो सॉल्यूशन ने बॉयल होना। हुण देखो सॉल्यूशन का बॉयलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा? क्योंकि ये सॉल्यूट ऐड किया है, सॉल्यूट ने वेपर प्रेशर डिक्रीज़ करता, जिदे करके इसका जोड़ा टेंपरेचर है वो इनक्रीज़ हो गया। इट मीनस जो टेंपरेचर है सॉल्यूशन का वो इनक्रीज़ हो रहा, तो जो प्योर सॉल्वेंट का वो डिक्रीज़ हो रहा। तो जो डिफरेंस बिटवीन दिस टेंपरेचर इज नाउन एज एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट। पहले ही दस चुकी हाँ एलिवेशन की है, इनक्रीज इन बॉयलिंग पॉइंट। बॉयलिंग पॉइंट के इनक्रीज़ होना विद द एडिशन ऑफ सॉल्यूट, जो असं सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। इसे करके जो सॉल्यूशन की कर्व है वो नीचे आ रही है, क्योंकि वो सॉल्यूट ऐड किया है, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, तो हम उन्होंने बॉयल करने के लिए ज़्यादा टेंपरेचर देना पड़ेगा, इसलिए वो हाई टेंपरेचर से जाके बॉयल हो रहा। तो असं जी डेल्टा टीवीएस में बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट। ये सिंबल है एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट का। देखो एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, ज़्यादा सॉल्यूशन है टीबी माइनस टीबी नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टेंपरेचर है वो सॉल्वेंट के नालों ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि तुम्हें मैं पहले ही दसिया कि अमाउंट वो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो टेंपरेचर इनक्रीज़ हो जाएगा। हुण देखो जो टेंपरेचर है सॉल्यूशन का कहदे ते डिपेंड करता, वो डिपेंड करता कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, किन्नी कंसनट्रेशन है सॉल्यूट की, जिन्नी ज़्यादा कंसनट्रेशन होएगी उन्ना टेंपरेचर इनक्रीज़ हो जाएगा। तो उस कंसनट्रेशन से डायरैक्टली डिपेंड कर रहे हैं, तो जिहड़ी कंसनट्रेशन है उसे मोलैलिटी के रीप्रजेंट कर रहे हैं एम देना। तो जिहड़ी इत्थे प्रपोर्शनैलिटी है उसनों हटा के असीं इत्थे के बी लगाया, प्रपोर्शनैलिटी कॉन्सटेंट। एक की चीज़ है के बी, के बी इज़ द बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्सटेंट और मोलल एलिवेशन कॉन्सटेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कॉन्सटेंट, कुछ भी इन्हों कह सकते हैं, तिन्नी ही इसके नाम ने के बी दी। तो के बी नूं असीं डिफाइन करांगे जदों वन मोल ऑफ अ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन वन के जी ऑफ द सॉल्वेंट, तो दैन के बी कैन बी डिफाइंड। मीनस जदों असीं एक मोल सबस्टांस का एक के जी के डिजोल्व कर रहे हैं तो असीं उत्थों के बी नूं डिफाइन कर सकते हैं। हुण के बी दी यूनिट्स की ने, यूनिट्स हैगियां ने के बी दियां, के कैलविन के जी पर मोल। हुण देखो जदों असीं इसनों हीट किया तो जदों असीं इसके अंदर W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं
मोलर मास उसका एम टू है जो अस सॉल्यूट ऐड किया किसके अंदर ऐड कर रहे हैं डबल्यू वन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। हुण देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी तुहानू पता है नंबर ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इन के जी, तो असी की लिया डबल्यू टू बाय एम टू मीनस मोल ऑफ द सोल्यूट्स लेने इन टू थाउजेंड्स क्योंकि असी के जी के लै रहे हैं तो ग्राम के कन्वर्ट करने के लिए असं थाउजेंड लगा रहे हैं। हुण जिहड़ी मोलैलिटी की वैल्यू आ ये असी पिछे जो एक्सप्रैशन कढ़िया एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट उसके अंदर पुट करांगे, एम की वैल्यू जी सारी एज इट इज़ इसे असी पुट करांगे तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डबल्यू टू इंटू थाउजेंड डिवाइड बाय एम टू इंटू डबल्यू वन। इतों सानू एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट पता लग गया कि जो टेंपरेचर दे विच किन्ना इनक्रीज होएगा। इसनों थोड़ा जा रीअरेंज कर लो तो इतों असी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिटेक्ट कर सकते हैं, एम टू इस साइड आ जाएगा डेल्टा टी वी इस साइड आ जाएगा, तो इतों असी की आ मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हैं भी किन्ना आएगा, तो एलिवेशन भी असी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एलिवेशन असी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो असी वो डेल्टा टी वी दे मैथड ना करांगे। सिमिलरली अगर एम टू कैलकुलेट करना है तो असी ये फॉर्मूला लगा के वैल्यूज नू पुट करके एम टू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हुण असी इस दे न्यूमेरिकल करांगे क्योंकि एग्जामीनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दे विच एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट दे नाल न्यूमेरिकल आंदा है, तो न्यूमेरिकल असी हुण सॉल्व करांगे। हुण आपां एक न्यूमेरिकल करदे हां एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट दे नाल। देखो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, मीनस 18 ग्राम असी ग्लूकोज डिजॉल्व कर रहे हैं 1 kg ऑफ वाटर, तो इतने सॉल्यूट की है ग्लूकोज तो सॉल्वेंट की है वाटर। एट वॉट टेंपरेचर विल बी द वाटर बॉयल एट 1.013 बार, किस टेंपरेचर पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट होएगा, ये तो प्रेशर देता है दैट इज नॉर्मल प्रेशर जो साडा हुण इस वक्त प्रेशर हुंदा रूम टेंपरेचर ते वो 1.013 बार हुंदा। ये तो तुसी घबराना नहीं है कि सानू प्रेशर दिता तां असी प्रेशर कित्थे यूज़ करांगे, नॉर्मल प्रेशर है ये किते भी यूज़ नहीं होएगा नॉर्मल कंडीशनस ते दस्या। तो के बी फॉर वाटर इज 0.52 कैलविन के जी पर मोल, तो के बी की वैल्यू तुहानू दे दित्ती गई है, तो हुण आपां ने कैलकुलेट की करना। देखो सब तो पहला सानू गिवन की है, गिवन है डबल्यू टू, डबल्यू टू की चीज़ है देखो मास ऑफ द ग्लूकोज जिहड़ा सानू गिवन दिता होयागा। हुण इत्थे सब तो पहला असीं गिवन रीप्रजेंट करांगे, सब तो पहला कि सानू गिवन की है, हाँ जी देखो सानू गिवन की है डबल्यू टू 18 ग्राम मीनस तुहानू 18 ग्राम ग्लूकोज दिता होया है। सैकेंड डबल्यू वन मास ऑफ सॉल्वेंट दिता होया 1 kg ऑफ वाटर, 1 kg नू ग्राम दे विच कन्वर्ट कर लेंगे 100,000 kg। एम टू, एम टू की है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला की है C6H12O6, तो असी इतों इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे 6 कार्बन 1 कार्बन का 12, सिमिलरली 1 हाइड्रोजन का 1 है असं इतने 12 यूज कर रहे हैं, 12 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 6 है, ऑक्सीजन का 16 है तो 6 असी यूज़ कर रहे हैं, सारे नू कैलकुलेट करके 180 के बी की सानू वैल्यू दी हुई है 0.052 कैलविन के जी पर मोल। तो इतने असी हूँ एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा रहे हैं जिहड़ा असी हूँ पिछे कैलकुलेट किया है, असी उसके अंदर जो जो सानू गिवन है वो पुट कर देवे के बी की वैल्यू डबल्यू टू की एम टू तो डबल्यू वन की, तो इतों असी एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट कर लिया कि बॉयलिंग पॉइंट से किन्ना इनक्रीज होएगा वैन वी एड द ग्लूकोज इन वाटर। हुण देखो डेल्टा टी वी नॉट की चीज़ है प्योर सॉल्वेंट द बॉयलिंग पॉइंट, मीनस वाटर असी यूज कर रहे हैं तो वाटर का बॉयलिंग पॉइंट है वो हों 100 डिग्री सैलसीयस, तो कैलविन के लै रहे हैं 373 डिग्री कैलविन आएगा, तो जो सोल्यूशन है वह की आएगा जो प्योर सॉल्वेंट प्लस एलिवेशन किन्ना इनक्रीज़ होया, तो देखो प्योर सॉल्वेंट का 373 जो थोड़ा एलिवेशन है किन्ना इनक्रीज़ होएगा जो तुम ग्लूकोज में ऐड करोगे वाटर के अंदर, तो ये थोड़ा आ गया टी बी दैट इज इक्वल टू 373.202 कैलविन। इट मीनस जो तुम ग्लूकोज में वाटर के अंदर ऐड करोगे उसका बॉयलिंग पॉइंट इनक्रीज़ हो जाएगा, नॉर्मल जोड़ा टेंपरेचर है वाटर का वह है 373 मीनस उस टेंपरेचर से इसने बॉयल होना, लेकिन ग्लूकोज ऐड करन तो बाद इसका जो बॉयलिंग पॉइंट है वो इनक्रीज़ हो गया, यही है एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट। जो असं बॉयलिंग पॉइंट में इनक्रीज़ करना है तो उसके अंदर कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करना पड़ेगा सानू, असी नॉन आयनिक दे लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो दिस इज़ एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट, बॉयलिंग पॉइंट दे विच इनक्रीज़ होना विद एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। हुण देखो आप कर रहे हैं नैक्सट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज़ थर्ड,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन मीन्स डिक्रीज होना, किस से डिक्रीज होना, फ्रीजिंग पॉइंट दे विच डिक्रीज होना, जिवें देखो उस दे विच बॉयलिंग पॉइंट इनक्रीज हो रहा है, इस दे विच की आ फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होएगा, किवें डिक्रीज होएगा ये आप हुण देखते हैं। देखो हुण देखो आप इन डिटेल च पढ़ते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट की हुंदा, जो सॉलिड फेस सबस्टांस का दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड फेस, लिक्विड ते सॉलिड जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम दे विच आ जाते हैं तो उदो कह रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है। जो असं कह सकते हैं कि जो वेपर प्रैशर है, जो उसने सॉलिड ने लिक्विड की फॉर्म के आना, जो वेपर प्रैशर आ वह सॉलिड जिन्ना सॉलिड की फॉर्म के वेपर प्रैशर से अगर वो इक्वल हो जाता तो उत्थे उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट है, सबस्टांस का आप कह रहे फ्रीजिंग पॉइंट। जिमें देखो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर मैं ऐड कर रही हाँ तो ऐड करन दे नाल देखो इधर भी मैं ऐड कर रही हाँ नॉर्मल, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है देखो जो वाटर है वो जीरो डिग्री सैलसीयस से ये प्योर सॉल्वेंट है, जीरो डिग्री सैलसीयस से उन्हें फ्रीज होना, लेकिन जो असं सॉल्वेंट ऐड किया तो वह होर ज़्यादा डिक्रीज हो गया, मीनस -2 डिग्री सैलसीयस उस डिक्रीज आ गया। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स ला जो देखो वेपर प्रैशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज लोअर दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। असं पहला भी पढ़ चुके कि जो वेपर प्रैशर आ सोल्यूशन का वह घट हों जो आप अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दें दैन प्योर सॉल्वेंट के नाल, क्योंकि वो इंटरमोलीकुलर जी स्पेस ऑफ सोल्यूट आकूपाई कर लेंदा है, तो इट मीनस देखो इट वुड बिकेम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सोलवेंट एट अ लोअर टेंपरेचर, इट मीनस जो सोल्यूशन का प्रैशर वो घट होएगा प्योर सोलवेंट के नालों। हुण आपां इहनूं ग्राफिकली देख रहे हैं कि वेपर प्रैशर एज अ फंक्शन ऑफ टेंपरेचर, ये साडा है लिक्विड सॉल्वेंट, जो लिक्विड सॉल्वेंट नूं असी फ्रीज करना स्टार्ट किया मीनस असी ने टेंपरेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया, वेपर प्रैशर भी डिक्रीज हो रहा, मीनस टेंपरेचर अगर डिक्रीज हो रहा तो वेपर प्रैशर भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा। तो देखो एक यह जी स्टेज आती है बी, जिथे जाके हुण की है सॉलिड की फॉर्म के आ गया, मीनस लिक्विड सॉलिड कन्वर्ट हो गया बी पॉइंट के उत्ते, ठीक। तो जो असं इसका टेंपरेचर होर ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रैशर होर ज़्यादा डिक्रीज हो रहा, हुणे की आ फ्रोजन जां सॉलिड सॉल्वेंट की फॉर्म के आ रहा है, मीनस जो असी टेंपरेचर डिक्रीज किया वेपर प्रैशर डिक्रीज हो गया। इट मीनस जो पॉइंट बी है, एट पॉइंट बी जो देखो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड बिटवीन द सॉलिड एंड द लिक्विड फेस ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इट मीनस दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बी पॉइंट के उत्ते फ्रीजिंग पॉइंट है, मीनस दैट इज डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग टेंपरेचर, इस टेंपरेचर के उत्ते इज द फ्रीजिंग पॉइंट है, क्योंकि इस तो बाद इन्हें सॉलिड फॉर्म च आ जाना। सिमिलरली दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट, अगर असी सॉल्यूशन पर ध्यान दें, सॉल्यूशन की करो की है नीचे है थोड़ी जी डाउन है, डाउन मीनस ये की है कि जो असं टेंपरेचर डिक्रीज कर रहे हैं वेपर प्रैशर कुछ ज़्यादा ही डिक्रीज हो रहा है, कि एडिशंस करने के नाल जो असी सॉल्यूट ऐड किया, देखो इस प्योर सॉल्वेंट से जो असी सॉल्यूट ऐड करता तो जो असी टेंपरेचर डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो वेपर प्रैशर प्योर सॉल्वेंट के नालों ज़्यादा डिक्रीज हो गया, मोर डिक्रीज हो गया, मीनस ई ते आके इहदा इक्विलिब्रियम अटेन होया, मीनस फ्रीजिंग पॉइंट आया सॉल्यूशन का इस दे उत्ते, तो दैट इज़ डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। मीनस इतों की पता लगे देखो कि जो असी सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर उसका वेपर प्रैशर डिक्रीज़ हो रहा, जिस दे नाल उसका टेंपरेचर भी डिक्रीज़ हो रहा है, मीनस वो घट टेंपरेचर से जाके फ्रीज होना स्टार्ट होंगे गा। हुण देखो जो सॉल्यूशन का टेंपरेचर फ्रीजिंग का वो घट है प्योर सॉल्वेंट के नालों, तो अगर देखो डेल्टा टी एफ की है डिफरेंस बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ नूं असीं बोल रहे हैं डिप्रेशन, मीनस फ्रीजिंग पॉइंट से डिक्रीज आ गया, ठीक। हुण देखो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस चीज़ से डिपेंड करता है, डिपेंड करता कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टीकल, किदां दे सॉल्यूट पार्टीकल है ज़्यादा है या घट है, कंसनट्रेशन से डिपेंड करता, आइडेंटिटी से डिपेंड नहीं करता। अगर असी कोई डायल्यूट सोल्यूशन ले ली, डायल्यूट सोल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो डिपेंड करता है मोलैलिटी, मोलैलिटी असी पहला भी कैलकुलेट कर चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो असी देखो इतने प्रपोर्शनैलिटी हटा के के एफ लगा रहे हैं, वट इज़ के एफ, के एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्सटेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कॉन्सटेंट और क्रायोस्कोपिक कॉन्सटेंट, इसनों असी किसी भी नाम रैफर कर सकते हैं के एफ न,
the molar depression constant Kf the definition ki hoegi can be defined as the depression in freezing point when one mole of the solute is dissolved in 1 kg of solvent. जो 1 kg solvent दे विच 1 mole solute दा add कर रहे हैं तो उदो जेड़ा depression आ रहा है उसी Kf ना refer कर रहे हैं. हुन देखो unit की नहीं Kf दी, असी पहला भी Kf दी units कर चुके हैं. Kf kg, k Kelvin, kg किलोग्राम पर मोल दे विच. हुन देखो Kf दी value जो अलग अलग है अलग अलग substance दे लिए. देखो water दे लिए अलग सी, क्लोरोफॉर्म दे लिए अलग सी. हुन एक कैलकुलेट कितों करते हैं असी, एक एक्सपेरीमेंटल फॉर्मूला है जितों असी Kf दी वैल्यू नू कैलकुलेट करते हैं. इतने आर की चीज़ है, गैस कॉन्सटेंट है. एम वन की है, एम वन है तो आड़ा मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. तो आड़ा टी एफ की है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मीनस फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है टी एफ. तो इतने जरा डेल्टा एफ फ्यूजन एच है इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन, चेंज इन इनथैल्पी, इनथैल्पी दे विच जो चेंज आता है, ये सारिया चीज़ा असी पुट करके के एफ की वैल्यू नू कैलकुलेट कर सकते हैं. एक कॉन्सटेंट रहती है, मीनस ये चेंज नहीं होएगी. एक बार अगर असी वाटर दे लिए कैलकुलेट कर ली तो फिक्स रहेगी वैल्यू, ये वैल्यू टाइम के नाल चेंज नहीं होएगी. हुण देखो जदों असी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डबल्यू टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट मोलर मास एम टू एड कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर, जो है डबल्यू वन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है इसका वेट, तो देखो वेट है डबल्यू टू सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का डबल्यू वन, मोलर मास सॉल्यूट का एम टू. तो डिपेंड कर रहे हैं मलैलिटी, मलैलिटी की है डबल्यू टू इंटू थाउजेंट डबल्यू वन इंटू एम टू. मीनस ये आप पहला भी कर चुके हैं, पिछली प्रॉपर्टी के अंदर भी कर चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मलैलिटी का फॉर्मूला. तो जी वैल्यू है ये असं पुट करेंगे डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर के एफ इंटू एम. तो हम इतने देखो जी एम की वैल्यू आ, ये सारी वैल्यू असं इतने पुट कर देनी है के एफ इंटू डबल्यू टू इंटू थाउजेंट डिवाइड बाय डबल्यू वन इंटू एम टू. तो सिमिलरली पहला किया इसनों असी हूँ रीअरेंज करांगे, रीअरेंज करके एम टू की वैल्यू कैलकुलेट करांगे, मीनस मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट असी कैलकुलेट कर सकते हैं इसनों रीअरेंज करके. तो जेडे के एफ है एज इट इज़, बस जो चेंज होएगा डेल्टा टी एफ नीचे आ जाएगा, मीनस डेल्टा टी एफ इंटू डबल्यू वन. ये असी मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं. हुण आपां एक न्यूमेरिकल देखांगे सोल्व करके, क्योंकि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है उन्होंने न्यूमेरिकल जरूर एग्जाम्स के आते ही आते हैं. तो देखो जो असी मोलर मास है ये नॉन आयनिक के लिए कर रहे हैं. हुण न्यूमेरिकल है तुहाडा कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी सी सिक्स एच एट ओ सिक्स टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड. जो असी विटामिन देखो हाँ विटामिन सी है उसनों असी 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड के डिजोल्व कर रहे हैं टू लोअर इट्स मिल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 ग्राम. इस मिल्टिंग पॉइंट को घट करने के लिए जो घट कि 1.5 केल्विन, तो के एफ इज 3.9 कैलविन के जी पर मोल. ये तुहानू गिवन है, सब तो पहला जो असी एज यूजल करते हैं कि जो गिवन चीज़ है उस सब तो पहला लिखांगे कि सानू इसके अंदर की दिता होया. देखो सब तो पहला सानू दिता होया 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, मीनस सॉल्वेंट, मीनस डबल्यू वन, डबल्यू वन दिता है 75 ग्राम. तो तुहानू जो एज सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.5 केल्विन दिता है तुहानू डेल्टा टी एफ, उस तो बाद तुहानू के एफ की वैल्यू दिती है एसिटिक एसिड दे 3.9 केल्विन पर मोल. एम टू की है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वो तुसी इस फॉर्मूले तो कैलकुलेट कर सकते हो सी सिक्स एच एट ओ सिक्स, ये तुहाडा कैलकुलेट करके 176 आ जाएगा. हुण असी इत्थे कैलकुलेट की करना मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, मास मीनस एम टू मोलर मास असी कैलकुलेट करना है. मोलर मास का फॉर्मूला असी हुणी कीता है वो इतने पुट करांगे, जो जो वैल्यू सानू इधर गिवन ने वो असी इसके अंदर पुट कर देनिया ने. डबल्यू टू एक साइड रख लेना है, तो फिर सारा कुछ इसके अंदर पुट करने तो बाद डबल्यू टू की जी वैल्यू आ रही है दैट इज़ 5.077 ग्राम. मीन जदों असी 5.077 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड 75 ग्राम एसिटिक एसिड के डिजोल्व कर रहे हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ हो रहा 1.5 ग्राम. मीनस इस तो पहला वह इन्ने तो ज़्यादा तो जम रहा है, हूँ की है उसनों थोड़ा ज़्यादा टेंपरेचर चाहिए होएगा फ्रीज होने के लिए. हूँ असी करेंगे एप्लीकेशन
कि नॉर्मल लाइफ दे विच कित्थे यूज़ हुंदा। हुण देखो जदों आउटर कंट्रीज़ दे विच जाने बहुत घट टैंपरेचर आ 0°C तो गड्डियां दे विच वाटर पैंदा है, तुहानूं पता है वाटर दे नाल चलदियां ने, तो उसके अंदर इथाइलीन ग्लाइकोल ना का सोल्यूट पाया जाता ताकि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वह होर घट किया जा सके। 0° से जमे ना पानी अंदर, अगर वाटर फ्रीज हो गया तो गड्डिया नहीं चल पाएंगी, ड्राइव नहीं हो पाएंगियाँ। उसके फ्रीजिंग पॉइंट को होर घट करने के लिए असं उसके अंदर इथाइलीन ग्लाइकोल ऐड कर रहे हैं, तो उसके नाल उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वह घट हो जाता है, जिसके करके वाटर फ्रीज नहीं होता। सैकेंड एप्लीकेशन है कि जो इतने आइस जम जाती है आउटर कंट्रीज़ के विच, तो असं उन्होंने हटाने के लिए नॉर्मली सबनों पता है कि असं की यूज़ करते हैं, नमक सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं। ये की काम करता है, जो नमक इस दे बर्फ के उपर आइस के उपर पैंदा है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर देता है। मीन जिसने 0° से वो जम रहा है, जो असं सोडियम क्लोराइड पा लें तो इसका जो टैंपरेचर वो -20° होर घट जाता, मीनस होर कटन के नाल हुण पिंगलेगा। अगर टैंपरेचर उत्थे होर ज़्यादा घट गया तो फिर इसने काम नहीं करना, फिर असी कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करांगे टैंपरेचर नूं होर डिक्रीज़ करन दे लई। मीनस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट नूं कट करना, कि हुण वो लो टैंपरेचर से जाके फ्रीज होवे, जिन्नी ते वो नॉर्मल हुंदा है उस तो घट ते जाके होवे। ते इही एप्लीकेशन सी एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि गड्डियां दे विच जिहड़ा इथाइलीन ग्लाइकोल असी पा रहे हां तां कि उसका टैंपरेचर की है जो डिक्रीज़ हो जाए, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाए, तो कोई प्रॉब्लम ना आए, अंदर पानी की है मिल्ट सॉरी फ्रीज ना हो जाए, इसके लिए असं उस सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। तो ये साड़ी थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज़ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हुण असं इस तो नैक्सट वाली प्रॉपर्टी करांगे, दैट इज़ ऑसमैटिक प्रेशर। देखो हुण इन्हां चीज़ों आप थोड़ा जिहा ऑब्जर्व करते हैं, उस तो बाद ऑसमैटिक प्रेशर की डेफिनेशन पर आवेंगे। ये है ड्राई ग्रेप्स, जो असं इन्हों वाटर फ्रैश वाटर रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम एक ही ओरिजिनल फॉर्म च आ जाते हैं, थोड़ी जी स्वैल हो जाते हैं, मीनस बड़े हो जाते हैं साइज के, एज यूजल वी सी इन आवर डेली लाइफ। सिमिलरली वैन वी टेक रॉ मैंगो, कच्चा आम जो असी नमक के पानी के रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम एक ही हो जाता है, बड़ा साइज हो जाता है, पिकल मीनस अचार वगैरह असं पा लें जोड़ा साल्ट सोल्यूशन के अंदर। सिमिलरली जो असी देखो फ्लावरस नू फ्रैश वाटर दे विच रखदे आ तां फ्लावर की आ रिफाइंड होने स्टार्ट हो जाते हैं, मीनस की आ कि फ्रैश होने स्टार्ट हो जाते हैं जदों असीं फ्रैश वाटर दे विच रखदे आ। जदों असीं तिन्नां चीज़ां नू ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो दिमाग दे विच कुछ आ रहा है कि जां तां जिहड़े मोलीक्यूल्स ने अंदर जा रहे ने सबसटांस दे या फिर बाहर आ रहे हैं, कोई चीज़ तां हो रही है इन और आउट ऑफ द सबसटांस। मीनस की आ कि जो वाटर मोलीक्यूल है जां सबसटांस दे अंदर जा रहे ने या फिर बाहर आ रहे हैं, तो दैट इज़ ऑसमैटिक ऑसमैटिक प्रेशर नहीं बोलेंगे इतने, सिर्फ ऑसमोसिस। ये ऑसमोसिस के प्रेश प्रोसैस के कारण हो रहा है। देखो ऑसमोसिस होंगी की है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल की मूवमेंट होनी है, कि देखो जो असी साल्ट सोल्यूशन है एक ही है साल्ट, इसके अंदर साल्ट है एक ही है नॉर्मल फ्रैश वाटर है, एक ही सैमी परमीएबल मैमब्रेन है। जो वाटर मोलीक्यूल्स इस साइड तो इस साइड बनी जाएंगे, मीनस लैस कंसनट्रेटेड तो मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बनी नू मूव करेंगे, एक ये सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल की मूवमेंट हो सकती है, अगर इसके अंदर होर सॉल्वेंट या होर कोई पार्टिकल होएगा मूव नहीं कर पाएगा। ये जड़ी इन बिटवीन असी लगा रहे हैं, दिस इज मैमब्रेन सैमी परमीएबल मैमब्रेन, असी इसनों SPM भी बोल रहे हैं, सैमी परमीएबल मैमब्रेन। ये अलाउ करती है सॉल्वेंट मोलीक्यूल्स नू टू ट्रैवल इन टू हायर कंसनट्रेशन के विच SPM। ये हुण बनती कितों आ, किस तरह की होंगी है ये SPM? देखो SPM साढ़े नेचर दे विच सानू कई तरीके नाल मिलती है, जिवें असी सब तो पहला भी घर दे विच प्याज यूज़ करते हैं, ओनीयन जो असी ओनीयन यूज़ कर रहे हैं ये भी एक सैमी परमीएबल मैमब्रेन की तरह काम करता है। देखो ये अंदर भी छोटे छोटे लेयरस होंगे ने जो सॉल्वेंट मोलीक्यूल्स नूं मूव करान च हेल्प कर दिया ने, दिस इज़ द स्ट्रक्चर क्लोजली स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओनीयन। सिमिलरली जो एग मैमब्रेन है, अंडा भी एक मैमब्रेन की तरह काम करता है। सिमिलरली ये पिग ब्लैडर है, पिग ब्लैडर पिग तुहानूं पता ही उसका ब्लैडर भी एक मैमब्रेन की तरह काम करता है, दिस इज पार्चमेंट मैमब्रेन। ये भी एनिमल की स्किन तो बनती है पार्चमेंट मैमब्रेन, दिस इज संथेटिक मैमब्रेन, मीनस लैब दे विच जो मैमब्रेन बनाई जाती है दैट इज सैलोफोन मैमब्रेन, सैलोफोन बनती है सैलूलोज तो। ये मैमब्रेन है जो इन बिटवीन लगाई जाती है फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। हुण देखो चाहे तुसी फ्रैश वाटर ते साल्ट वाटर लै रहे हो तो जिहड़े इस दे अंदर पार्टिकल्स ने वो की वाटर दे इस साइड जाने स्टार्ट हो जाएंगे, प्योर सॉल्वेंट टू
सोल्यूशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। अगर तुसी फ्रेश वाटर की जगह पर डायल्यूट सोल्यूशन ले रहे हो, ठीक, डायल्यूट मीनस घट कंसनट्रेशन, तो इधरों जो वाटर मोलीक्यूल्स ने ज़्यादा कंसनट्रेशन बनी जाएंगे, मीनस लैस कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। सिमिलरली इधर असी लैस कंसनट्रेटड वाटर है, इधर ज़्यादा कंसनट्रेटड है, तो जदों मूवमेंट होनी है थ्रू सैमी परमीएबल मैमब्रेन घट कंसनट्रेटड सोल्यूशन टू हायर कंसनट्रेशन होगी। तो इतों देखो असी ने हुण तक पढ़ लिया ऑसमोसिस की है, द मूवमेंट ऑफ पार्टीकल फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, मीनस जिधर कंसनट्रेशन घट है उधर तो ज़्यादा कंसनट्रेशन, मीनस इधर घट है तो इधर जाएगी। एक यह जी स्टेज भी आ जाती है जिथे जाके इक्विलिब्रियम हो जाता है, मीनस इधर भी सेम पार्टीकल इधर भी सेम पार्टीकल, इसनों बोल रहे हैं ऑसमैटिक इक्विलिब्रियम, मीनस दोनों साइड कंसनट्रेशन सेम हो रही है। हुण देखो ये सॉल्वेंट है, मीनस घट कंसनट्रेटड है, ये सॉल्यूशन है ज़्यादा कंसनट्रेटड है। हुण वाटर मोलीक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है थ्रू सैमी परमीएबल मैमब्रेन इन टू द सॉल्यूशन। हुण इसनों रोकण दे लई कि होर ज़्यादा सॉल्वेंट मोलीक्यूल्स सॉल्यूशन दे विच ना आण, असी थोड़ा जा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। ये प्रेशर सिर्फ स्टॉप करने दे लई है, ऑसमोसिस दे प्रोसैस नूं रोकण दे लई असी सिर्फ प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जिहड़ा असी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज पाई, दिस पाई इज नाउन एज ऑसमैटिक प्रेशर, असी इहनूं ऑसमैटिक प्रेशर बोल रहे हैं। जिहड़ा असी सिर्फ वाटर मोलीक्यूल्स की होर ज़्यादा मूवमेंट ना होवे सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन दे अंदर, इसनों रोकण दे लई असी लगाया पाई। पाई की चीज़ है, ऑसमैटिक प्रेशर दी जिहड़ा पी है एक है नॉर्मल प्रेशर है जदों दोनों का सेम सीगा। तो ऑसमैटिक प्रेशर डिपेंड कहते करता कि सोल्यूशन किन्ना कंसनट्रेटड है, मीन सोल्यूशन के अंदर किन्ने सोल्यूट पार्टिकल्स है, तो कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट के उत्ते डिपेंड करता है। मीनस कंसनट्रेशन असी किस चीज़ नाल रैफर कर सकते हैं, सी दे नाल रैफर कर सकते हैं। तो जो ऑसमैटिक प्रेशर है दैट इज़ डायरैक्टली प्रपोर्शनस टू सी, कंसनट्रेशन एट अ गिवन टेंपरेचर। हुण देखो असी इस प्रपोर्शनैलिटी नूं हटा के की लगावेंगे, आर टी। आर टी की चीज़ हुंदी है, देखो आर इज गैस कॉन्सटेंट, असी इस तो पहला भी पढ़ चुके हैं, तो सी की आ कंसनट्रेशन, तो टी की आ टेंपरेचर। तो असी इतने प्रपोर्शनैलिटी हटा के आर टी लगा रहे हैं, सी इज कंसनट्रेशन। हुण कंसनट्रेशन नूं किस चीज़ 'च रैफर करेंगे, असी अगर कंसनट्रेशन कढ़ना चाह रहे हैं तो किवें कैलकुलेट करेंगे कि किन्ने नंबर ऑफ पार्टीकल वी डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट, किन्ने सॉल्वेंट दे विच किन्ने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टीकल है। तो असी सी नूं लिखांगे एन टू बाय वी, मीनस नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन वॉल्यूम, जिन्ने वॉल्यूम दे विच डिजोल्व कर रहे हैं तो सानू इतों कंसनट्रेशन पता लग रही है सोल्यूशन की। तो हम जी सी की वैल्यू है असी पुट करांगे इस इक्वेशन के अंदर, सी की जगह पर एन टू अपॉन वी लिख देंगे तो साडा एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। हुण एन टू की चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स किदा कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। हुण मान लो जो गिवन मास है सॉल्यूट का दैट इज़ डबल्यू टू एंड मोलर मास इज एम टू, तो एन टू लिखांगे डबल्यू टू अपॉन एम टू। असी फिर तो जी वैल्यू आ इस इक्वेशन के पुट कर देंगे, जो असी इस इक्वेशन पुट करेंगे इक्वेशन थोड़ी बन जाएगी डबल्यू टू आर टी अपॉन एम टू इंटू वी, वी वॉल्यूम, एम टू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, डबल्यू टू है थोड़ा गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट एंड आर इज गैस कॉन्सटेंट, टी इज टेंपरेचर। तो असी इस एक्सप्रेशन तो ऑसमैटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर असी हुण इत्थे मोलर मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो इत्थे असी इस इक्वेशन नूं रीअरेंज करांगे, एम टू नूं इस साइड ले आवेंगे, जो ऑसमैटिक प्रेशर है इसनों इस साइड लै जाएंगे, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा डबल्यू टू आर टी डिवाइड बाय पाई वी, वी इज वॉल्यूम। तो देखो असी एम टू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हुण कित्थे यूज़ होंदी है पॉलीमर, पॉलीमर की होंगे छोटे 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 यूनिट नू ऐड करके एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल बन जाना। इस मॉलिक्यूल्स का जो असी मोलर मास कैलकुलेट करना तो असी विद द हेल्प ऑफ ऑसमैटिक प्रेशर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मीनस ये प्रॉपर्टी अप्लाई करके असी पॉलीमर का कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली डीएनए, डीएनए दे विच भी छोटे 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 यूनिट ऐड करके एक बड़ा यूनिट बनता है डीएनए। देखो ये अलग अलग पार्ट्स ने अगे सब यूनिट डीकंपोज हो जाता है, तो यदा जो मास है मोलर मास वो भी असी ऑसमैटिक प्रेशर प्रॉपर्टी लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अगे पार्ट्स ने जिहड़े डीएनए अगे पार्ट्स दे विच टुट जाता। तो हुण देखो एडवांटेज की आ कि असी ऑसमैटिक प्रेशर मैथड क्यों यूज़ करिए बाकियों के नालों, जिहड़ी एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
कि ये जो मैथड है ये रूम टैंपरेचर के उत्ते काम करता है, मीनस नॉर्मल टैंपरेचर के उत्ते ऑसमैटिक प्रैशर असी कैलकुलेट कर सकते हैं। सैकेंड है कि असी इतने मलैरिटी यूज़ कर रहे हैं, मीनस कंसनट्रेशन यूज़ कर रहे हैं, एन टू बाय वी मीनस मलैरिटी यूज़ कर रहे हैं, बाकियों के असी की करते हैं मलैरिटी यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ बेनीफिशियल इन दिस मैथड। तो हम असी इसकी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करा। न्यूमेरिकल है 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्योर प्रोटीन कंटेन 10 ग्राम ऑफ द प्रोटीन। 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन का जिसके अंदर 10 ग्राम असी प्रोटीन डिजोल्व की है। द ऑसमैटिक प्रेशर ऑफ द सच अ सोल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2×10⁻³। तो इसका जो ऑसमैटिक प्रेशर है वह भी सानू गिवन है। तो असी कैलकुलेट की करना, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का मोलर मास कितना है। सब तो पहला असी गिवन लिखते हैं कि सानू दिता है की है, देखो W2 मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट की है इतने प्रोटीन, प्रोटीन सानू 10 ग्राम, वॉल्यूम किन्ने वॉल्यूम च डिजोल्व किया है 1 लीटर के अंदर, तो टैंपरेचर किन्ना है 300 केल्विन, तो सानू ऑसमैटिक प्रेशर भी दिता है पाई, दैट इज 2×10⁻³ एटमोसफियर। तो असी इतने कैलकुलेट की करना गा, असी कैलकुलेट करना मोलर मास, दैट इज M2 असी इतने कैलकुलेट करना। तो असी हूँ ही जो ऑसमैटिक प्रेशर का फॉर्मूला कढ़िया है जिस दे थ्रू असी कढ़ सकते हैं, तो असी इतने अप्लाई करांगे M2 दे लई। तो इतने देखो R भी सानू चाहिए है, R की वैल्यू हमेशा कॉन्सटेंट हुंदी है, दैट इज 0.082 लीटर एटमोसफेयर पर कैलविन पर मोल। हुण असी ये सारिया जिहड़ियां वैल्यूज़ ने ये असी फॉर्मूले के अंदर पुट करांगे, तो उतों असी M2 की वैल्यू नू कैलकुलेट करांगे। फॉर्मूला है W2RT/πV। तो हुण इतने W2 की वैल्यू 10 ग्राम, वॉल्यूम 1 लीटर, टैंपरेचर 300 केल्विन एंड पाई, ये सारिया वैल्यूज़ असी इसके अंदर पुट कर देंगे। देखो असी सारिया वैल्यूज़ नू पुट करता, तो इतों असी M2 की वैल्यू नू कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ 1,2,3×000 पर मोल, दैट इज़ सो मच लार्ज, किन्नी वड्डी वैल्यू आ। तो जिहड़ी प्रोटीन ने वह भी बहुत छोटे नहीं होंगे, छोटे 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 ऐड करके बहुत बड़े बनते हैं, जिस करके इसका जो मोलर मास है वह बहुत ज़्यादा आता है। तो सानू इतों पता लग गया कि इन्नी असी मोलैरिटी इन्नी मोलर की असी प्रोटीन ऐड कर रहे हैं, मीनस जो मोलर मास है प्रोटीन का 1 लीटर 10 ग्राम के इन्ना होगा। हुण देखो जिहड़े सोल्यूशन ने, मान लो इसकी जो कंसनट्रेशन है दैट इज़ C1, इसकी कंसनट्रेशन है C2 एट अ गिवन टैंपरेचर टी, मीनस फिक्स टैंपरेचर के उत्ते टी के उत्ते इसकी वैल्यू आ, तो इसका ऑसमैटिक प्रेशर होएगा π1, इसका होएगा π2। π1 की वैल्यू आएगी C1RT क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन C1 है, सिमिलरली इसकी वैल्यू आएगी π की C2RT, इसका ऑसमैटिक प्रेशर होएगा C2RT π2 = तो देखो अगर कंसनट्रेशन इक्वल हो जाती है दोनों सोल्यूशन की, तो इन्हों का ऑसमैटिक प्रेशर की होएगा, इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, इसका जो ऑसमैटिक प्रेशर है दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, मीनस अगर इन दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल हो जाती है C1 = C2 दैन π1 = π2, मीनस अगर दोनों साइड कंसनट्रेशन इक्वल हो रही है तो जो ऑसमैटिक प्रेशर है वह भी दोनों साइड इक्वल होएगा। इसकी एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन साड़ी नॉर्मल लाइफ के असी यूज़ करते हैं, अगर दोनों की जो ऑसमैटिक प्रेशर इक्वल हो जाता है दोनों का, तो की होएगा उस तरह के सोल्यूशन असी की बोलेंगे। देखो इक्वमोलर सोल्यूशन एट द सेम टैंपरेचर हैव द सेम ऑसमैटिक प्रेशर, ऑसमैटिक प्रेशर सेम होएगा, π1 एंड π2 दोनों इक्वल हो गए ने, तो उस तरह के सोल्यूशन असी कह रहे हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, मीनस जिन्हों के दोनों साइड जी कंसनट्रेशन आ वह सेम हो जाती है, ऑसमैटिक प्रेशर भी सेम होएगा क्योंकि दोनों साइड कंसनट्रेशन सेम होगी, ये होएगा आइसोटोनिक सोल्यूशन, मीनस दोनों साइड कंसनट्रेशन सेम है थ्रू सैमी परमीएबल मेम्ब्रेन। साड़ी नॉर्मल लाइफ के जो सानू इंजैक्शन लगता है, इंजैक्शन के सोडियम क्लोराइड पाया जाता 0.91%, थोड़ा जहा नमक पाया जाता क्योंकि साढ़े ब्लड के भी NaCl होंदा, तो जो देखो असी जिहड़ा नमक है वह वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम लै रहे हैं 0.9% सोल्यूशन का ऐड कर रहे हैं ब्लड के अंदर, तो ब्लड के ऐड कर देखो जिहड़े रैड ब्लड सैल्स आएंगे ये है 0.9% NaCl सोल्यूशन, तो ब्लड के अंदर भी सेम है, मीनस आइसोटोनिक हो गया, ब्लड के अंदर तो ब्लड के बाहर दोनों साइड कंसनट्रेशन सेम होगी, तो जो मोलीक्यूल्स है सोडियम क्लोराइड के अंदर जो इंजैक्शन असी लगाया वो जी मेडिसिन आ वो ईजली बाकी पार्ट्स के चली जाती है बॉडी के अंदर,
मीन्स जो साढ़े रेड ब्लड सैल आ ईजली इन्हों पास कर देंगे। देखो ये जो रेड ब्लड सैल के अंदर सोडियम क्लोराइड जाता है फ्लूड के अंदर तो ये ईजली इस पास कर देंगे। तुसी चंगी तरह इसमें देख सकते हो कि जो सेम कंसनट्रेशन आइसोटोनिक मीनस इसलिए किसी भी इंजैक्शन के सोडियम क्लोराइड ऐड किया जाता। हुण अगर देखो ऑस्मैटिक प्रेशर मीनस सोडियम क्लोराइड की अगर कंसनट्रेशन असी 0.9% कर दिए मीनस इनक्रीज कर दिए अगर ज़्यादा नमक वाला सोल्यूशन मतलब उसके अंदर डाल दिए तो इस तरीके के जो सोल्यूशन होंगे दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन मीनस जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा। हुण देखो जदों असी सोडियम क्लोराइड मीन ज़्यादा कंसनट्रेशन का सोल्यूशन ऐड कर रहे हैं तो जदों वो अंदर जा रहा तो वह आइसोटोनिक नहीं हाइपरटोनिक हो गया तो जो ऑसमोसिस का प्रोसैस नॉर्मल है मीनस लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन तो अंदर कंसनट्रेशन घट है बाहर सोडियम क्लोराइड की ज़्यादा है तो लोअर टू हायर होएगा तो अंदरों जो वाटर मोलीक्यूल्स है अंदरों जो फ्लूड है वह की है बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा तो दैट इज जो रेड ब्लड सैल है वह की है श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो जो असी ज़्यादा कंसनट्रेशन का सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया तो वह की हो गया श्रिंक होना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली एक होर अगर सोडियम क्लोराइड असी घट मात्रा दे विच ले लिए मीनस ज़्यादा ना लीए हुण देखो अगर जिहड़ी कंसनट्रेशन सोडियम क्लोराइड की असी घट कर दी है घट करन दे विच की है कि 0.9% तो अगर घट कर दी ऑस्मैटिक प्रेशर घट हो जाए ब्लड दे नालों तो इस तरह के जिहड़े सोल्यूशन ने उन्हां नूं कह रहे हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इदां दे सोल्यूशन दे विच की हुंदा जदों ये साडी बॉडी के अंदर इंजैक्ट होंदे आ तां जे देखो इस दे अंदर जदों लो कंसनट्रेशन है बाहर सोडियम क्लोराइड असी घट कंसनट्रेशन यूज़ किया अंदर हाई कंसनट्रेशन ऑसमोसिस की आ लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन मीनस बाहरों चीज़ अंदर जानी स्टार्ट होगी लेकिन अंदरों बाहर नहीं आएगी तो जिसके करके जो बाहर तो कंसनट्रेशन सोडियम क्लोराइड की अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो यह जो सैल है एक ब्रस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा मीनस की स्वैलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो एक फटना स्टार्ट हो जाएगा रेड ब्लड सैल ब्रस्टिंग ऑफ आर रेड ब्लड सैल्स वैन द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज लैस दैन 0.9%। इसलिए जोड़े इंजैक्शन ने गे वो की है प्रॉपर वेट बाय वॉल्यूम 0.9% दे बनाए जाते हैं ताकि जो बॉडी के जो सोल्यूशन की टाइप है वो आइसोटोनिक हो सके दोनों साइड सेम हो सके। सिमिलरली जोड़े लोग ज़्यादा साल्टी डाइट यूज़ करते ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं तो उन्होंने एक अडीमा नाम की बीमारी हो जाती है। अडीमा मीनस जो नमक ज़्यादा कंसनट्रेशन का अंदर जाएगा तो रेड ब्लड सैल की आ ब्रस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि कंसनट्रेशन इसकी ज़्यादा हो जाएगी ब्लड सैल के जिदे करके जो फ्लूड है रेड ब्लड सैल का वो की है बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा जिसके करके स्वैलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो स्वैलिंग जी डिजीज़ इन बोल रहे हैं अडीमा। हुण देखो अगर असी जो प्रेशर अप्लाई किया टू स्टॉप द ऑस्मोसिस अगर असी उस तो थोड़ा जा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिए नॉर्मल ऑसमोसिस के नालों तो की है कि जोड़े वाटर मोलीक्यूल वो रिवर्स से जाने स्टार्ट हो जाएंगे मीन ज़्यादा कंसनट्रेशन तो घट कंसनट्रेशन वनी मूव करने स्टार्ट कर देंगे मीनस लो हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन इस बोल रहे हैं रिवर्स ऑसमोसिस मीनस की है कि ऑसमोसिस प्रोसैस से जिस दे विच घट कंसनट्रेशन तो ज़्यादा कंसनट्रेशन वनी मोलीक्यूल जा रहे थे इस दे अंदर की है ज़्यादा तो घट वनी तो जी एप्लीकेशन है ऑसमैटिक प्रेशर कितने यूज़ करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जो देखो सी वाटर है ये जो आता है तो इसके अंदर इतनी जी मैम्ब्रेन एक तरह की मैम्ब्रेन लगी होंगी है इस मैम्ब्रेन असी कह रहे हैं सैलूलोज एसीटेट सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन ये मैम्ब्रेन की है रिवर्स ऑसमोसिस का काम करती है मीन जो वाटर इस आता है तो एक ही है हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन ये देखो सी वाटर है इसके अंदर इंप्योरिटीज़ नहीं गई जो मैम्ब्रेन इतने लगती है तो ये सिर्फ वाटर मोलीक्यूल्स मूव कर सकते हैं मीन जो बाकी इंप्योरिटीज़ ने एज इट इज़ पिछे रह जाएगी सिर्फ वाटर मोलीक्यूल्स अगे लंघ सकते हैं जिदे करके मैम्ब्रेन की है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। साढ़े घर जो फिल्टर लगे होंगे ने उन्होंने भी रिवर्स ऑसमोसिस का प्रोसैस होंगे कि जो उसके अंदर सिर्फ वाटर मोलीक्यूल्स की मूवमेंट हो सकती है। सिमिलरली जोड़े प्रोसैस है रिवर्स ऑसमोसिस का ये वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं उम्मीद है कि तुहानू समझ आ गया होगा अज असी कोलीगेटिव प्रॉपर्ट नू प्रैक्टिकली देखिया कि हुंदी की है तो ऑसमैटिक प्रेशर एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट डिप्रैशन इन फीजिंग पॉइंट तो एक रैलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर असी पिछले एपीसोड दे विच कीता सी। मैं उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होगा। थैंक यू।